अकलों उकलों खाली हुंदे, अकलों उकलों खाली हुंदे मोरी भीड़ वहीरां दे, पर कुछ हुंदे बिल्कुल खाली ना शुक्रे तकदीरां दे। ते खाली खूली सब कर बहिंदे, खाली खूली सब कर बहिंदे, भरिया भरिया लभदे जो महफल विच जो बह रुखां दी लाउंदे मुल शतीरां दे। ते किस्मत कुस्मत कोस रिहा तू, किस्मत कुस्मत कोस रिहा छड हथ दिखाने पांडे नू, रब भी आशक बनदा औहदे उच्चे देख जमीरां दे। अज दीआं नसतरां दे नाल सांझा पंजाब दी महफल नाल जुड़े साडे हज़ारां लखां करोड़ां श्रोते जिहड़े आ जिहड़े कि साडी ऑलवेज सानू वैलकम करदे, असीं भी उन्हां नू जी आए आखदे आ, खुश आमदीद, वसदे रहो हसदे रहो। अज दी महफल दे विच असीं रोज़ाना दी तरह लोकल गल्लां बातां, साडे बिजनेस वीरां दे संदेश ते राष्ट्री अंतरराष्ट्री जिहड़ियां खबरां हैगियां असीं पंजाब चंडीगढ़ सुशील दोसांझ तो, जिहड़ा सांझा पंजाब दा स्टूडियो चंडीगढ़ सुशील दोसांझ तो असीं लाइव खबरां लैने हर रोज़। साडे दुनिया दे चगरदे विच की वापर रिहा हैगा, किहो जिहियां घटनावां वापर रहियां, आपां आए रोज़ गल्लां बातां सुणदे हैगे आ, जिवें कि आह करोना ने जां उवें जिहड़ा साडे कोल नवां वेरिएंट आया हैगा, इहने बड़ा सानू मतलब साडे लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। आप उम्मीद लेने है जिवें लास्ट जो अपना जो शुरुआत साडी हुई है कोविड-19 की, असी उन्हें याद पाई हैगी, ये साडा अखलाकी फर्ज बनता हैगा। असी हर रोज़ प्रोग्राम ये रिपीट करते हैं तो असी रिपीट करते रहेंगे, ये साडा अखलाकी फर्ज बनता हैगा। जे असी समाज में एक चंगी सेहत देनी हैगी, तंदुरुस्त समाज बनाना हैगा, तो सानू भी उस उन्हां कदमां ते चलना पैना हैगा। जे असी अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो साडा फर्ज बनता है असी दूसरे भी किवें सेफ रखे जाए। डेली की तरह जिहड़ी कि नवी नवी खबर आउंदियां हैगियां, असी जिहड़ी सेफ्टी प्रिकॉशन है ये साडे लिए मस्ट है। मास्क जिहड़ा साडे लिए बहुत जरूरी है, कितने भी पब्लिक प्लेस ते जाने स्टोर ते जाने तो साडे लिए एक मतलब साडा एक फर्स्ट साडा भाईवाल बन गया है। मास्क जिहड़ा सानू जरूरी रखना पैना हैगा, ग्लव्स हैंड वाश करने हैगे, अपना गल साफ करो, कोसा पानी पींदे है, नक्क जरूर साफ करो अपना 2-3 वारी वार-वार, ये बहुत जरूरी प्रकाशन है। किसी को मिलने वेले तुसीं ठीक है 6 फुट की डिस्टेंस रखो, ठीक है रिश्तियां दे विच त्रेड़ नहीं पैनी चाहिदी गी। जे साडे कोल किसी नाल प्यार मुहब्बत साडे कोल हैगा ते असीं इन्हां गल्लां करके भी आपां इजहार कर सकदे हैगे। साडीआं गल्लां बातां चलदियां रहणीआं जी। अज्ज असीं अपने स्टूडियो दे विच साडे मेहमान होणगे पॉल चीमा जी। पॉल चीमा जी का नंबर है 6473332273। साडियां अज भरपूर गल्लां बातां होणगीआं, साडे समाज विच चगर दे विच की गलबात हो रही है इहदे बारे आपां गल्लबात करांगे। सब तो पहले आपां पॉल जी जी करने। पॉल जी वेलकम जी। बहुत बहुत शुक्रिया जंडू साहब, तो सारे देखने वाले नूं सुनने वाले नूं पॉल जी मोलो प्यार भरी सत श्री अकाल। तुसी बड़ी चंगी गल की है, सवेरे सवेरे एक तो बड़ी सोहनी कविता थोड़ी जी पढ़ी है। हाँ जी हाँ जी, मैं उस पांडे वाली गल फड़ी है बल्ले जी, क्योंकि फॉर्चून टेलर कह ली आप फॉर्चून टेलर पांडा एको चीज वही मतलब होया। तो मैं सुनना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि किन्ने को लोग फॉर्चून टेलर दे विश्वास करते हैं। जे तुसी किसी को हथ दिखाया या अपनी जन्म कुंडली दिखाई, जन्म पत्री कहते शायद, जो वह दिखाई तो की वो तुहाडी लाइफ उहदे हिसाब नाल चल रही है। तुहानू जो मन चाया जब तुम दसिया किसी पांडे ने या पंडित ने कि जी आह तुहाडा काम हो जाएगा जे तुसीं आह करोगे कि हो गया। मैं बड़ा मतलब इच्छुक इस चीज़ में जानने लिए कि ये काम करता है कि नहीं करता। बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ा विषय है जी। देखो ये जी 17 मेरी अपनी लिखी हुई है। क्या बात है, क्या बात है। किस्मत कुस्मत कोस रहे छड़ हथ दिखाने पांडे नू, ते रब भी आशक बनदा ओहदे उच्चे देख जमीरां दे। ये साडा अखलाक जिहड़ा साडा जमीर जिहड़ा साडा जे असीं नू पॉजिटिव होगा साडा उच्चा जमीर होगा, चंगे काम करांगे, किसी लिए माड़ा ना सोचांगे जी, तो साडा हमेशा चंगा ही होगा। देखो मैंने एक बड़ी वधिया गल पता लगी है, तो शायद सारे दर्शकों भी पता लगी होनी कि जंडू साहब जी बड़े तगड़े शायर भी है। मैं सोचा पढ़ते हो देख के, पर तुसी आप लिखी है, बड़ी वड्डी गल है जनाब। आई वुड गिव अ क्लैप फॉर दैट। थैंक यू। तगड़ा शायर तो नहीं है, पर कोई ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲਿਖਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਖੇ ਜੀ, तो ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਚ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ तो गलत हो रही है उन बयान करना जरूरी है बिल्कुल जरूरी है एक बड़ी मतलब सबलाइम तरीके ना तुसी पेश कर दिता सतना जिहदा मायना बहुत रखता है एक सारी नजरिए की गल है जी बिल्कुल जी बिल्कुल नजरिया एक लेखक दुनिया में एक वक्रे तरीके नाल वेखदा एक खबरां पढ़ने वाला वक्रे तरीके नाल देखदा एक टैक्नोलॉजी वाला उन्होंने वक्रे तरीके नाल देखदा ते रियल एस्टेट वाला या मॉर्गेज वाले को वक्रे तरीके नाल देखदे बिल्कुल देखो जी आप जिवें हुण इहनूं गल नूं ये जिहड़े वायरस जिहड़े वेरिएंट जिहड़े वार-वार जिहड़े नवे आ रहे हैगे आ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੇਰੀਅੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕੁਝ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਆਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਫੀ गरमाया होया बड़े लोग बड़े लापरवाह है आज जफा पा लिया तो मैं हैरान है कि जो कोरोना शुरू होया सीगा लोगों ने कई ने अपने बच्चों के नाम कोरोना ते भी रखे सीगे भी किसी ने डेल्टा दे भी नाम रखे अपने बच्चे का या किसी ने ओमिक्रोन ते भी ना रखे ये भी हुण नवीं चीज़ां अगे अगे आउणगीआं एक क्योंकि इंसानी दिमाग बड़ा अजीबो गरीब काम करता है बड़ी मार्वलस मशीनरी एक शरीर फिट की गई है जी जिन्हें कि दुनिया ने अपने ही परसपैक्टिव नाल देखना देखो कितनी अरबां करोड़ों की पापूलेशन है बिल्कुल ते हर एक दा दिमाग वखो वखरा चाहो देखो हाँ जी देखो वो मतलब भी जिहड़ा मान तुसीं थोड़ी सोच जिहड़ी हैगी आ और तुसीं जिहड़े पासे मर्जी ला लो उसे पासे लग जाती हैगी जी बट जे आप दूजे पक्ष ना देखा जाए हर एक इंसान दे विच इक्को जिहे गुण हैगे जी है बिल्कुल ठीक है ना जो मेरे च गुण हैगे वो तुहाडे विच भी हैगे ਔਗਣ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹਾਰਡਲੀ ਆਪਣਾ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬ੍ਰੇਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ 100% ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆਗਾ ठीक है उन बेस के जिहड़े पुराने बच्चे वेख लो बजुर्ग वेख लो पुराने जिहड़े सीगे अपने वो कहंदे सी भी यार अस तां वो 5 जमातां 3 जमातां पढ़े उर्दू दी भी ठीक है ना पर उन्हां नॉलेज बहुत सीगी बिल्कुल ठीक है ना अच्छा जे आपां वेखिए भी हुण अज तुसीं बंदा तुसीं अपने ले लो अज तुसीं कोई किताब पढ़नी शुरू कर दो जी तुसीं रूटीन बना लो भी मैं अवतार जी एक किताब शुरू कर ली हैगी हुण मैं रोज़ाना पढ़िया करनी किताब जी सोडी सोच दे विच एक फर्क पै शुरू हो जाना बिल्कुल पै जांदा जी पिया भी हैगा मैं तां इहदा गवाह इस चीज़ दा इस करके ये हर एक बंदे च सांझे गुण होंदे आ बस जिहदे पासे तुसीं तोर लो उस पासे नूं तुर पैंदे हैगे तां ही कहंदे ना जी स्काई इज़ द लिमिट या ब्रेन लई कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है सिर्फ सोच चाहीदी है बिल्कुल जी हां जी हां जी तो साडी गलबात चल रही हैगी सांझा पंजाब दे स्टूडियो च साडे नाल स्टूडियो च किसी नाल गलबात करनी हैगी आ ते 95545444 ते गलबात कीती जा सकदी आ साडी गलबात चल रही है पॉल जी नाल पॉल चीमा जी 647333 ਤੇ 2277 ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਪੌਲ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪੌਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ इनका एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वो दोबारा इन्होंने एक्टिवेट कर दिता उन्हें मोनीटर करना सारी सिचुएशन उन्हें मोनीटर करना कि कदों शटडाउन करना है कदों नहीं करना तो शटडाउन दौरान बिजनेस नूं या लोगों नूं किदां सपोर्ट करना है सो ये सारा एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अंडर ही तय किया जाना है तो जिहड़ी कि वैसे खबर बड़ी माड़ी है कि असी फिर वापस लैप्स करते हैं पर लैप्स करके रहे हैं कि कितने ना कितने असी भी जिम्मेवार हैं वास्ते बिल्कुल बिल्कुल असी इररिस्पोंसिबल हैं असी देखते नहीं गए असी बाहरों आए हैं रिपोर्ट नहीं करते असी कहने चल कोई गल नहीं की फर्क पैंदा बिल्कुल वो भी आपां इहो गल कीती सी लास्ट टाइम भी गल करते आ रहे हमेशा यही गल करते आवांगे कोई बंदा एयरपोर्ट उतर के आ जाए हाँ जी हुण तुसीं 10 12 14 दिन 2 वीक तुसीं घरे रहना है जी ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਘਰੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰਦੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾਗਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਣਾ ਨਾ ਖੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਥੋੜੇ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਕੇ ਜਾਂ 4 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਅੱਖ ਘੁਮਾਣੀ ਹੈ ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਏ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਣਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਮ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਪਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਰਤਾ ਨੇ ਲਾ ਮੇਖਲਾ ਜਨਵਰੀ 4 ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਪ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਸਕੂਲ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮੈਡਮ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਓ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੋਮ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਨਇੰਟਰਪਟਿਡ ਚੱਲ ਸਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਸੋਰੀ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਪਰੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਆਹ ਤੇਰਾ ਸੈਲਫੋਨ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਠੀਕ ਆ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਖੇਡਣ ਖੁੱਡਣ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਕੈਜੂਲ ਫੇਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈਗਾ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪੈਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਬਰਨ ਆਊਟ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਬੜਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਆਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਲਈਏ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਸਕੀਏ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਟ ਕਾਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੋਚਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੈਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਣਗੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸ ਹਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੁਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 9554544444 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੌਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਬੰਦਾ ਐਂ ਦੇਖਦਾ ਖਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਲਓ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਨਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ 40 ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ठीक है, पर वो 4 बंदे नूं अगे सपोर्ट करने वाला बंदा नहीं टकरदा ते इहदे नाल की है कि जिहड़ा बंदा चंगी गल करदा ओह बेचारा चुप हो गया भाई। बिल्कुल बिल्कुल। सो दूसरी गल क्राइम प्रिवेंशन दा जिहड़ा एक आपां यूनिट लेवल ते लैके चलीए फिर अपने ते गल मुड़ कुड़ के आ जांदी है कि असीं एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी दे विच पैर रखिआ आ के। बिल्कुल पंजाब नहीं गा कि पंजाबी बने फिरदे हैं तो सारे बंदे इक्को जिहा पहरावा पांदे इक्को जिहा खाना खांदे इक्को जिहे उन्हां दे त्यौहार हैगे आ। इत्थे त्यौहार भी डिफरेंट है, लोकी भी डिफरेंट है, लैंग्वेज भी डिफरेंट है। हुण ओह कई वारी लोकी एक दूजे दे नेड़े नेड़े रहिंदे आ, पर जिहड़ा मैं देखिआ अपने कई थावां ते जाके कि लोकी एक दूजे नाल कम्यूनीकेट नहीं करदे। बिल्कुल नहीं करदे। दो मकान आपस जुड़े आ ते एक स्पेनिश है दूजा पंजाबी है तो उन्हां दा आपस कम्यूनीकेशन कोई नहीं। बिल्कुल शुरुआत किन्ने करनी है ये मुद्दा नहीं, पर कोई ना कोई बंदा शुरुआत करे। वो ना की है जो तो आपसी तालमेल हो गया ना, जे तुसी घर नहीं है तो गुआढ़ी ने तो लॉन भी मोह कर देना, साल्ट भी सिट देना, स्नो भी रिमूव कर देनी है, क्योंकि एक भाईबंदी पैदा हो गई, क्योंकि इंसानी रिश्ते वही ने। हाँ करते जी, बिल्कुल करते हैं। किसी हथ वधाओगे बंदा तुहानूं जफी पाउंदा, गल तां हथ वधाउण दी है। हाँ जी, शुरुआत जरूर करो, आप करो शुरुआत। हुण जे मैं तुहाडे वाल स्माइल देआं ते तुसीं मैनूं नेचुरली स्माइल दिओ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जे मैं किसी नूं हाई करां तां अगला भी हथ उठा के हाई करदा, ये एक अजमाई हुई गल है, कदे भी अजमा लो। ठीक है, पंजाब वाला माहौल नहीं, किसी ने स्माइल दी अगले डांग चक ली, तूं मैनूं देख के हस्सिआ क्यों है। ये एक इहो जिहा एनवायरनमेंट है जिथे लोकी एक दूजे नूं मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो मैं कई वारी गुरबानी दे तुकां अपने सोशल मीडिया ते ला दिंदा, विच ट्रांसलेशन भी हुंदे उहनां दे नाल, लोकी नूं एप्रीशिएट करदे आ कि गुरबानी च आ चीज़ां लिखियां। ओह सोचदे कि ये शायद इन्हां दा धार्मिक ग्रंथ कुछ डिफरेंट चीज़ दसदा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जे हुण तुहाडे घर दी साफ सफाई तुहाडी एबसेंस हो रही है, चोरी दे चांस बहुत ही घट जाते, क्योंकि लोगों को पता कि घर मेनटेन्ड है, बंदे नेड़े तेड़े होणगे। ठीक है, दूसरी गल है कि जे कदे हो भी गई तो तुहाडा गुआंढी ने पुलिस नूं हस के दसना जी मैं देखा जी कि फलानी गड्डी लंघी सी, आह काम होया सी। जे हुण आपस च कनैक्शन ही नहीं गा, कोई किसी की परवाह ही नहीं करता, अगला कहता मैं ये मसलों क्यों अपना पैर फसावां। बिल्कुल। सो मेरे कहने का मतलब है जंडू साहब, मतलब एक निक्का सोल्यूशन नहीं, मसला तो बड़ा वड्डा, पर यह उन्होंने एक चीज़ ये है कि आपसी तालमेल अपने आंढ गुआंढ नाल आमो सामने जरूर बना के रखना चाहिए। भावें किराएदार होवे या मालक मकान होवे, मिल के रहो यार, मौजा करो तो बचे रहो मुसीबतों। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है जी। तुसीं किसी हथ वधाओगे तुहानूं बंदा आके गल लाउंदा हैगा, ये तो गल हथ वधाउण दी हैगी आ। बिल्कुल, जिहड़े तुहाडे नेबरस दे नाल तुहाडे कोले सांझ पाउणी जरूरी हैगी आ। घाह कट्टिया किते चलो वो तो वखरियां गल्लां बाद ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, 100 ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਥੇਰਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪੌਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। स्टूडियो साढ़े नाल किसी ने गलबात करनी हैगी 905 454 44 44 पर गलबात की जा सकती है। जो असीं हमेशा कहते आ रहे हैं, सांझा पंजाब 24 जो SP24 का ऐप है जिहड़ा जरूर डाउनलोड करो। वर्ल्ड विच दुनिया में किसी भी कोने तुसीं बैठे हैगे आ, जिथे कि इंटरनेट की थोड़ी सुविधा हैगी आ, तुसीं इस ऐप का बाखूबी फायदा चक सकते हो। कोई गुरबाणी का, कोई खबर का, कोई सांझा पंजाब का की चल रहा है, किसी किस्म की जानकारी लैनी हैगी आ, तुसीं इस ऐप तो अपने जानकारी ले सकते हो। शुरू तो एक छोटी जी ब्रेक लेने बस, अस हुणे गए तो हुणे आए। क्या स्वाद है, बाकी सारे पिज़्ज़ा नूं पिछे छड्डी जांदे ने। जी हाँ, पिज़्ज़ा टिपू, पिज़्ज़ा विद अनफॉरगेटेबल टेस्ट। कि तुसी भी अपना पार्क टॉल ले सब कुछ ट्राई कर चुके हो, फिर क्यों नहीं ट्राई कर दे अमेजिंग एंड हेल्दी वेट लॉस प्रोडक्ट्स बाय बलबीर लहल। खुद से आजमाया 100% इफेक्टिव थैंक्स टू दिस नेचुरल प्रोडक्ट। इस नू ट्राई करन तो बाद मैं अपना 100 पौंड भार ही नहीं घटाया, अपने भार नू लंबे समय तो मेंटेन भी किया होया। नाउ आई फील मोर फिट एंड हैप्पी। जे तुसी भी हो अपने वध रहे भार तो परेशान, तां मिलो बलबीर लहल नूं। 4166027479। रीशेप योर बॉडी, रीडिस्कवर योर लाइफ। मैं हाँ रवि गैंगर, ओनर एंड डायरेक्टर ऑफ स्काई इमीग्रेशन कंसलटेंसी सर्विसेज। जे थानू कैनेडियन इमीग्रेशन वास्ते किसी भी सर्विसेज की लोड़ आ तो प्लीज़ साढ़े ऑफिस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। कोई भी कैनेडियन इमीग्रेशन सर्विसेज वास्ते तुसी स्काई इमीग्रेशन की टीम के नाल संपर्क कर सकते हो। साडा फोन नंबर है 4166740009। मैं अपनी भैनों को दसना चाहूँ कि साढ़े को हुण नवीं शिपमेंट पहुँच गई है। जिहड़ियां भैणां हले तक राणो बुटीक ते नहीं आईयां उन्हां नूं यही कहना चाहुंदी कि एक चक्कर तुसी जरूर राणो बुटीक दे उत्ते लगाओ। तुहाडे घर किसी भी तरह का समागम होण जा रहा है, तुहानूं सूटां दी लोड़ आ, लहंगियां दी, शरारियां दी, गरारियां दी, तुसी एक चक्कर जरूर राणो बुटीक दे उत्ते लगाओ। जिस तरह मैं अपनी भैणां नूं दसना चाहुंदी कि तुसी आ मेरे सूट पाया, तुसी किसी भी कलर दे विच बनवाना होवे असीं इह तैयार करवा के दे सकदे हैं। साडे कोल अपनी बुटीक, साडे कोल अपने कारीगर ते अपने ही टेलर हैं। किसी भी जानकारी लिए तुसीं सानूं फोन कर सकते हो 6474001965। ब्रैम्पटन क्रेमेटोरियम राहीं असीं पिछले 7 साल तो कम्यूनिटी नूं फ्यूनल सेवावां प्रदान करते आ रहे हैं। हुण ईस्टर्न ते जो साडी कम्यूनिटी रहिंदी है उन्हां दीयां लोड़ां नूं मद्देनज़र रखदे होए असीं एजेक्स दे विच नवां फ्यूनल होम एजेक्स क्रेमेटोरियम शुरू कर दिता है। किसी भी परिवार नूं साडीयां सेवावां दी लोड़ पवे तां हेठले गए नंबरां ते संपर्क करो जी। अगर तुसी अपने घर या बिजनेस झुरझुर मारना भी की मरना, झुरझुर मारना भी की मरना, मरना ऐसी मौत मरी, कत्तब हीरां तुरन कबीले ललकारां शमशीरां दे। वाह। ते तख्ते तुख्ते पलटा देने, तख्ते तुख्ते पलटा देने, समझी जान डरावे ना, ते पैर ब्याई अटण देखी जलवे गर्म तस्वीरां दे। पैर व्याही अटन वेखी जलवे गर्म तस्वीरां दे, जलवे गर्म तस्वीरां दे। क्या ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਸੀ ਨਾ ਪੌਲ ਜੀ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੌਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਗਏ, ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਟੀ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਪਰਸਵੀਰੈਂਸ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪਕੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਪੌਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਬੀਟੇਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਇਨਕਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 18 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੀਟੇਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਿਲੀਅਮ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਨਾਮ ਉਹਦਾ। ਹੈਬੀਟੇਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਹੈਬੀਟੇਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਬੀਟੇਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਬੜੀ ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਫਰਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਪੌਲ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ 647333 ਤੇ 2273 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੌਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਇਨਕਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੋਰਗੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਟਰਬਲ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਓਕੇ। डिसकनैक्ट बिटवीन मॉर्गेज ते तुहाडी इनकम च इन्ना ज़्यादा कि जंप लेना मुश्किल है। दूसरी गल प्रोजैक्शन ये भी हैगी है कि 2022 दे विच जिस हिसाब नाल रेट वधने है ये मकान होर लोकां दी रीच तो बाहर हो जाने। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी गल जिहड़ी है वो भी हैगी है कि जिहड़ा बैंक ऑफ कैनेडा हैगा इहने अल्टीमेटली इनफ्लेशन कंट्रोल करना। बिल्कुल करनी ते कंट्रोल करने लई उहने ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਵੀ ਹਿੱਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਜੀ। कोई साढ़े को बंदा आया पैसे लैन लिए मैं उन्होंने ठीक है मैं दे देना, पर मैं जंडू साहब को चला गया कि कोई जंडू साहब को मैंने पता फंड्स हैगे आ तो मैं जंडू साहब ने कहना जंडू साहब मैंने फंड्स दे दो, तुसीं इन्वेस्टर हो, मैं तुहाडे पैसे तुहानूं इन्ने रेट ते वापस कर देना। हुण तुहाडे तो मैं 2% ते लिया अगे मैं उस बंदे नूं 3% दे देना। ठीक है, हुण जिद्दां तुसीं मैनूं रेट इनक्रीज़ करोगे उद्दां मेरा भी रेट जिहड़ा इनक्रीज़ हो जाना। जदों इकोनॉमी बूम करदी है उदों की हुंदा है कि इन्वेस्टर तो बिजनेस वाले फंड बहुत लेंदे हैं। बिजनेस ओनर जिहड़े है वो पैसे लेंदे कि अपने बिजनेस नूं प्रफुल्लित कर सकन। उहदे नाल की बैंकां नूं इन्वेस्टर नूं प्रॉमिस करना पैंदा कि मैं तैनूं ज़्यादा इंटरस्ट रेट देवांगा तूं मैनूं पैसे दे दे कि बैंक दी इकोनॉमी चलदी नहीं दे बगैर। हुण बैंक ने हाई रेट ते पैसे लैके तुहानूं अगे देने है ते उहने सस्ते नहीं देने। हुण जदों बैंक ऑफ कैनेडा दा रेट चेंज होना है तां बैंकां ने आटोमैटिकली वो जिहड़ा लोड हैगा वो लोगों के उत्ते पास ऑन करना ही करना। तो जो इकोनॉमी माड़ी होंगी है उदो बिजनेस जिहड़े है ठप होने शुरू हो जाते। जिवें आप हुण देखिया पिछे जे तो उहदे नाल की हुंदा है कि बिजनेस वाले कहिंदे इन्वेस्टर भी मैनूं जंडू साहब पैसे नहीं चाहिए। तो जंडू साहब ने पैसे जे नहीं देणगे कि मनी जंडू साहब दी इक प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट दे जे बैनीफिट ना होया तो उन्होंने प्रोडक्ट रख के करना की। देखिया तुसीं स्टोरां 'च किवें समान इदां ही गारबेज पिया मिट्टी दे एडे एडे इंच मिट्टी जमी है विकदा नहीं समान पर स्टोर ਭਰਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 3% ਛੱਡ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ 1.5% ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੋਰੋ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੰਡ ਬੋਰੋ ਕਰਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੀ ਬੋਰੋ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਨਿਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੇਟ ਸਰ ਵਧਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਾਂ 649 ਹਿੱਟ ਕਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਪਏ ਜੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਘੜਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਟਰ ਸਾਈਡ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਰਾਵਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਡਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਾਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸਹੀ ਬਣੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਣ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੌਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਸੋਜੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮਕਾਨ ਘੱਟ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ 11% ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 200 ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜੇ ਪੀਲ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 700-800 ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕਰੇਗੀ। ਘਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਆਫਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰ ਜਾਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੌਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੌਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰ ਦਨ 50% ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੇਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਰੇਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ, ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੈਗਾ 3000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਰ ਜੇਬ ਹੈਗੀ ਖਾਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ 2000 ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ 3000 ਦਾ ਖਰਚਾ, ਆਮਦਨੀ 98 ਖਰਚਾ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਕਾਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ, ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੋ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ ਹੋ ਜਾਂ ਐਮਪਲੋਇਡ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੇ ਬ੍ਰਿਕ ਨੇ ਚੱਕ ਲਓ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, 2000 ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਓ ਕੈਸ਼, ਯਾਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਪਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 3 ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂਜੀ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਡੋਲਦੇ ਨੇਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੀ, ਗਲਤ ਟੀਕਾ ਲਾਦਾ ਬੰਦਾ ਸਤਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਚ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਹਾਰਡਕੋਰ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬੂਤ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਤੰਭ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਿਡ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੋ ਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ। ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਡਿੱਗੋਗੇ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਡਿੱਗੋਗੇ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਡਿੱਗੋਗੇ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਸਟੂਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ 905454444 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪੌਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 647333 ਤੇ 2273 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪੌਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਦਸਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਡੈਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ $1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $2000 ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਮੰਥਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 6473332273 ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ओ बई जिथे बैठ के घर वर्गा महसूस होवे, जिस दियां ताजियां दालां सब्जियां मठियाइयां विच पिंड दी खुशबू होवे। बेशक विआह शादी छोटी वड्डी पार्टी क्यों ना होवे, पर मित्रो रेस्टोरेंट स्वीट महल ही होवे। डाइनिंग टेक आउट या केटरिंग बाय स्वीट महल 416 679 9191। अपने घर या बिजनेस नूं पेंट कराउणा है तो इक्को ही नाम याद रखो, न्यू स्टार लेन पेंटिंग। इन्हां दा कहना है कि इन्हां दा कीता होया काम देखो, 15 साल तो बाद दा तजर्बा है। न्यू स्टार लेन पेंटिंग, गोरा धरुआं दा नंबर 416 230 4000 416 230 4000। हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की तो यहाँ आइए स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA, जहाँ आपको मिलेगा बिल्कुल सॉलिड फर्नीचर, चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर सिंस 1992। अफोर्डेबल, स्टाइलिश एंड क्वालिटी फर्नीचर। विजिट इन स्टोर फॉर much more 9057900560 Stevens Furniture। अपने मेहनत ना कमाए डालर का वध रेट लेना है तो इक्को ही नाम याद रखो, अपरा ट्रेडिंग। नाल तुसी पैसे इथों भेजने आ या तुसी पैसे इंडिया तो इथे मंगाने आ तो अपरा ट्रेडिंग 416 731 7010 416 731 7710 अपरा ट्रेडिंग। पिज़्ज़ा डिपो वाला दा पिज़्ज़ा बहुत स्वाद है, इंडियन डिलेक्स पिज़्ज़ा इना दी काट है, भाई वाह क्या स्वाद है। बाकी सारे पिज़्ज़ा नु पीछे छड्डी जांदे ने, ओ देखो पिज़्ज़ा दे वट कड्डी जांदे ने, ओ देखो पिज़्ज़ा दे वट कड्डी जांदे ने। जी हां, पिज़्ज़ा डिपो, पिज़्ज़ा विद अनफॉरगेटेबल टेस्ट। कि तुसी भी अपना पार्क टॉल ले सब कुछ ट्राई कर चुके हो, फिर क्यों नहीं ट्राई कर दे अमेजिंग एंड हेल्दी वेट लॉस प्रोडक्ट्स बाय बलबीर लहल। खुद से आजमाया 100% इफेक्टिव थैंक्स टू दिस नेचुरल प्रोडक्ट। इस नू ट्राई करन तो बाद मैं अपना 100 पाउंड भार ही नहीं घटाया, अपने भार नू लंबे समय तो मेंटेन भी कीता होया। हाँ जी, साडी लाइन जुड़ चुकी है पंजाब चंडीगढ़ सांझा पंजाब दे स्टूडियो विच सुशील दोसांझ साडे नाल लाइन ते आ गया। वेलकम सुनील सुशील जी। बहुत मेहरबानी जंडू जी ते पाल चीमा गलबात करके हटे हो, उन्होंने भी बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल ते साडे सारे दर्शकों को भी, सांझा पंजाब टेलीविजन के दुनिया भर च बैठे हजारों लखा दर्शकों को भी चंडीगढ़ स्टूडियो तो सुशील दोसांझ जी प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब ते नमस्कार। पहले उस तो बहुत सारिया खबर ने जिन्होंने दे आर पार देखने की कोशिश करांगे जी। तुसीं साडे नाल जुड़ना 905 458 44 44 ते कॉल कर सकते हो। गलबात आप जुड़ना शुरू कर देंगे क्योंकि अपने को समाज घट है, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन बहुतियां गल्लां नहीं कहता। बिल्कुल वन बाय वन जिहड़ियां बहुत जरूरी खबरां ने उन्हां ते आप उहदा विस्तार लै लैंदे आ, चर्चा कर लेंगे जी। सो गलबात का सिलसिला शुरू कर लेंगे अवतार जंडू जी। हाँ जी, साझा जो पंजाब का आप देखा माहौल काफ़ी गरमाया होया, चाहे सियासत का होवे चाहे ये जी करोना जी जो नवा जो वायरस साढ़े कोल पहुंचा, इन्हें काफ़ी तरथली मचाई हुई है पंजाब ते हिंदुस्तान के विच। इहदे बारे मैं सुनिया भी कोई नवे केस हो रहे हैं, प्लस जिहड़ियां मैं पढ़ रहा सी अपने पेपर दे उत्ते डेथ्स है 16,000 किन्नियां सी, सारियां टोटल डेथ्स है कि रीसेंटली हुई हैं? नहीं, टोटल डेथ्स ने नाले मैं तुहानूं दसदा कि जिहड़ा ओमिक्रॉन वेरिएंट है उहदे नाल किसी किस्म की कोई डेथ हादसे हिंदुस्तान नहीं हुई। बिल्कुल जी, ते पंजाब दे विच भी शक्की मरीज जरूर सके पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई केस पंजाब है नहीं। आज जो मैं जिक्र कर रहा है करोना वायरस के जो पुराने मरीज है उन्होंने चो 333 एक्टिव मरीज बचे ने पंजाब के, यानी ये जरूर है कि मोहाली हुशियारपुर से फिरोजपुर सब तो ज्यादा एक्टिव केस है, पर ये सारे जो केस है पुराने ने। बिल्कुल कोई नवा केस बहुते नहीं आ रहे, पर 333 यानी काफी घट गए ने मरीज। ओवरऑल इस वे पंजाब करोना वायरस का भोग पिया होया, पर एक डर जिहा जरूर है कि कितने मुड़ के ओमिक्रॉन वेरिएंट ना इधर आ जाए। पर जी डेथ्स का मामला हैगा तो तुहानूं दस दईए कि जिहड़ियां ये डेथ्स हैगियां ये हुण तक दीयां करोना वायरस नाल जिहड़ियां पंजाब डेथ्स होईयां ओह ने यानी 16,625 के करीब टोटल। कोई नवी डेथ नहीं हो रही, वक्-वक् जिले वार जी मैं बड़ी बरीकी दस दिना बीएसएल के एक्टिव केस मोहाली च 54 है, फिरोजपुर च 44 है, हुशियारपुर च 39 है, लुधियाने च 32 एक्टिव केस है जी। एक एक केस फाजिलका ते मानसा च है। उनके मोगा, फतेहगढ़ साहब, फाजिलका, मानसा, संगरूर, मुक्तसर ये लगभग कोरोना वायरस तो मुक्त हो चुके हैं कि 1 से लेकर 4 तक ही एक्टिव केस है, ज्यादा नहीं है जी। पर जलंधर जिले च है कोई 18 के करीब एक्टिव केस, पटियाले 21 है, बठिंडे 19 है, गुरदासपुर 8 है, पठानकोट 24, कपूरथले 19 से रोपड़ 10, शहीद भगत सिंह नगर जो अपना कह लो भी नवा शहर है 6 केस है जी, तरन तारण 13 है, बरनाले 7 है। सो बहुत ज्यादा खतरा नहीं है इस पंजाब के, ना ही कोई किसी किस्म की कोई इतने कोई बहुत ज्यादा हो सकती है जी। पर फिर भी आपां नूं जरूर जिहड़े कह लो भी जिहड़े लोग ने उन्हां नूं प्रिकॉशनस लैनिया चाहिए ने ते अपना ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल जी, ये बस हमेशा प्रोग्राम में दसते आ रहे हैं भी ये जिहड़ियां प्रिकॉशन जिहड़े साडे कोल हैगे बहुत जरूरी हैगे, इन्हां बारे सानूं हमेशा साडे सज्जी बाह दे तौर पर ही वरतना चाहिए है। आप दसांस सामग्री की खबर तो चल रहे हैं जिवें कि पहला आप ये गल कर रहे थे भी जिहड़ियां हिंदुस्तान में जिहड़ियां किसान जथेबंदियां ने बड़ा वधिया रोल अदा करके जी जित प्राप्त की हैगी। हुण मैं सुन रहा है भी कोई इन्हां दी कोई गुप्त मीटिंग हुई है जिहड़ा कि इलैक्शन दे विच कोई गलबात चल रही है, नहीं कोई पार्टी बना रहे हैं, इहदे बारे कोई है खबर तुहाडे कोल? देखो ये बहुत देर तो लोगों की बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया के उत्ते इदां दी गल कहंदे आ कि किसान जथेबंदियां नूं बदल बनना चाहिए जिहड़ियां रवायती किस्म दी अपनी पार्टियां बहुत सारे किसान आगुआ साड़ी भी गल होंगी रही है। आमतौर के उत्ते जो शिव किसान मोर्चा राय बनती सी भी सानू चोणां च नहीं जाना चाहिए, पर बार बार बलवीर सिंह राजेवाल की गल आती है कि हाँ वो सीएम का चेहरा बन सकते हैं, किमें बन के किमें नहीं, आम आदमी पार्टी की भी उन्होंने नजर है। तो साढ़े को जानकारी है कि ये जी मीटिंग गुप्त हुई है, कम हुई सी क्योंकि सानू एक किसान लीडर ने दसिया कि समराले च बलवीर सिंह राजेवाल उन्होंने एक फतेह पार्टी रखी सी जिस 32 किसान जथेबंदियों के लीडर इकट्ठे हुए। पहला किसान लीडर ने कहा कि असीं पॉलिटिक्स तो दूर रहना जो अंदोलन चल रहा सी, हम कहते खेती कानून वापस हो गया है, हर किसी को यह अधिकार है भी जे कोई पॉलिटिक्स से जाना चाहता तो जा सकता है, पर जी चंगी गल है 32 किसान जथेबंदियां रल के एक सहमति बनाओ, तो सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। एक बलवीर सिंह राजेवाल भी शायद परखना चाहते हैं जी मैनू ऑफर हुई है जिहदे बारे जानकारी मिल रही है कि शायद आम आदमी पार्टी ने ऑफर की है उन्होंने सीएम के चेहरे वास्ते जी ऑफर हुई है, तो 32 किसान जथेबंदियां की सोच रही है बारे उत्थे हाले एक राय नहीं बन सकी जो साडी जानकारी है। एक राय जो नहीं बनेगी तो फिर किसान जथेबंदियां इस मुद्दे के उत्ते खेड सकती हैं, वखरियां वखरियां हो सकती हैं, पर साडा मनना यह है या साडी राय यह है कि किसान जथेबंदियां नूं डायरेक्टली पॉलिटिक्स च नहीं आना चाहिए क्योंकि जिहड़ा रुतबा हुण इन्हां दा बनिया होया ये रुतबा इत्थे बहाल रहे ते अगले अंदोलनां दी ये अगवाई करन तां शायद बेहतर नतीजे जिहड़े आ कर सकदे आ। हाँ देखो जी अपना सिपाही तो थानेदार बन सकता पर थानेदार इंस्पैक्टर तो सिपाही बनना जो बहुत घाटे वाल सौदा हो सकता है हर एक बंदे के लिए। आप अगली गल ते जाने जी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है देखो कड़ा बड़ा यह जोड़ तोड़ कर रहे हैं दूजियां पार्टियां नाल, हुण दी की खबर हैगी है कि ये दिल्ली बैठे हैगे कोई भाजपा दे नाल कोई तोड़ विछोड़ करने की गल चल रही है? भारतीय जनता पार्टी के नाल सगों रल के इन्होंने चोण लड़नी जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह इन्हों का अज हो गया लगभग फाइनल, सगों जो ढींडसे आ भी नाल आ गया। बिल्कुल ताजा जानकारी ये है कि पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस पार्टी छड्ड के उन्होंने अपनी वक्री पार्टी बनाई है पंजाब लोक कांग्रेस जी, वो हम वो चाहते हैं कि पंजाब के बीजेपी ने रल के असीं सरकार बनाईए, वह कोशिश हो रही है। पहला एक दिन सिस्मा के सिस्मा जो इन्हों का महल है उत्थे गजेंद्र शेखावत जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर है बीजेपी का पंजाब का इंचार्ज है वो आया सी आज ये गए उत्थे गजेंद्र शेखावत नाल कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात हो गई है। दोनों लीडर के जी पंजाब चोणा किद्दां लड़नियां कितनी सीटां किहनूं मिलनियां थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। साडे कोल जानकारी ये है भी 117 सीटां दे विचों बीजेपी 11 सीटां चाहुंदी है, बीजेपी दावा कर रही है कि उन्हें 70 सीटां लड़नी है, बाकी जो कैप्टन से जो ढींडसा साहब है उन्होंने धड़ा जो शिफ्ट अकाली दल वो लड़ सकता है, पर सीटां की एडजस्टमेंट बाद होगी। पर अज इन्हों का फैसला हो गया भी असीं इकट्ठियां चोण लड़नी जानी है। बिल्कुल तीन धड़े इकट्ठे हो गए बीजेपी के नाल, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह ते दूजा धड़ा हो गया ढींडसा ते एक मतलब लगता है कि पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी नूं वड्डा नुकसान हो सकता है इस कह लो भी जथेबंदक तौर के उत्ते कैप्टन अमरिंदर ने अपनी पार्टी बनाने तो बाद जो टिकटा की वंड जी होनी है चोन जाब्ता लगना है। कैप्टन का दावा है कि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर उन्होंने पार्टी चाहणगे तो कांग्रेस पार्टी जी है उन्होंने बहुत ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है। यानी संघ असैंबली भी पंजाब के आ सकती है क्योंकि अगे दो पार्टियां चोणां लड़दियां सी पंजाब च, एक पासे अकाली बीजेपी गठजोड़ हुंदा सी, मोहरे कांग्रेस हुंदी सी। पिछली बारी तीन चोण हो गई, आम आदमी पार्टी भी आ गई। ऐसी चार पूरी जी चोण होनी है, चार धड़े होंगे ते अंग असैंबली भी बनाने की कोशिश है कैप्टन अमरिंदर ते बीजेपी की ताकि बाद खरीदो फरोख्त हो सके। जिस हिसाब नाल गल्लां चल रही है चार सवेरे आम आदमी कितने सरगर्म हो गए, कांग्रेस चल हैगी है, अकाली दल ते कैप्टन आ गए विचों तो ये मैंने लगता कोई मेजोरिटी सरकार बनने के चांस तो घट लगते हैं। मेरा ख्याल प्रोटेक्शन तो लगती भी शायद यह माइनॉरिटी ही आने जो भी कोई आया सरकार की ख्याल तो देखो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आज की तरीक के जिन्नी देर तक आम आदमी पार्टी के किसान जथेबंदियां जड़ियां हैं कोई फाइनल डिसीजन नहीं लैंदियां जी, उसको पहला जी अज की गल करिए आप जी अज ही चोण हो जाए पंजाब के अज कांग्रेस का हथ हाले उत्ते है जी, पर जी कल सिचुएशन बदल जाती है, इन्होंने धड़ा वाला हो जाता है, कैप्टन के नाल ज्यादा लोग आ जाते हैं, बीजेपी की बंदे बड़े लोगों से अख रख के बैठी है। उधर आम आदमी पार्टी कहते हैं राज्याल शायद अपना सीएम का कैंडिडेट बना लेना है, तो फिर चीजा बदल जाएगी। बिल्कुल चीजा बदलियां तो फिर पॉसिबिलिटी है कि मिनोरिटी रहेगी, तो फिर जो मिनोरिटी रहेगी किसी को भी बहुत ना मिला फिर मंडी लगेगी पंजाब के बिल्कुल, मंडी पहली बार लगेगी, बोली जो ज्यादा लोग एमएलए चल जाएंगे। सारी टोटल पॉलिटिक्स जी पंजाब की है ये एक बहुत दुखदायक पहलू है भी पीपल्स जिहड़ियां स्ट्रगल जिहड़ियां पासे रख के पीपल्स जिहड़े कंसर्न हैगे उन्होंने पिछे रख के तुसीं सिर्फ कुर्सी हासिल करनी है। इस वास्ते जिहड़ा मर्जी जिथों मर्जी आवे पैसे दे जोड़ दे उत्ते जां बाकी होर जिहड़े जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी है ते ये फिर कितनी फलूसफुल साबित हो सकती है इहदे क्वेश्चन मार्क रहे जी। हाँ जी दसंत साहब अपनी अगली खबर है कि सब तो पहले आप साढ़े सांझा पंजाब स्टूडेंट्स साढ़े जिन्हें श्रोते साढ़े जुड़े है साढ़े स्टूडियो में किसी ने गलबात करनी हैगी आ तो 905 457 44 44 से गलबात की जा सकती है। आप अगली खबर तो जाने दसंत साहब जी पंजाब पुलिस के जी वड्डी रद्दो बदल हुई है रातों रात, ये बारे की खबर हैगी आ? क्योंकि जो कपालप्रीत सोता जिहड़े लाए हुए सी एक किस्म के कार्यकारी डीजीपी फुल फ्लैग नहीं सीगे हो, ठीक है जी। तुहानूं पता है कि डीजीपी के इशू के उत्ते बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जी ते डीजीपी अपनी मर्जी का चाहते थे नवजोत सिद्धू वो भावे लग गया हम सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नूं पहला तो कह रहे थे वो बिल्कुल लाउड नहीं जी जी पर ला तो दिता उन्होंने पर लाया उन्होंने भी कार्यकारी है क्योंकि यूपीएस नू जिहड़ा एक पैनल जा चुका जिन्होंने ना तो है पर उधरों फाइनल होकर नहीं आया जी। तो यह है कि सिद्धू साहब ये सोच सकते हैं कि उन्होंने हक उत्ते हो गया वो चाहते सी एडी जिहड़ा एडीजीपी उन्होंने मर्जी का लगे जी ते वो एडीजीपी अज अद्धी रात नू उन्होंने बदल दिता गया जिहड़े इकबालप्रीत सोता उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नू ला दिता गया। कहंदे ये है जी भी शायद जिहड़ी पंजाब दे विच हुण आउण वाले दिनां दे विच बहुत चर्चित जो ड्रग केस है जी उहदे कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। ड्रग केस कार्रवाई वास्ते ही चट्टोपाध्याय नूं लाया गया जी। पंजाब कांग्रेस की सरकार है सिद्धू साहब जी चाहते हैं कि विरोधी खास तौर पर अकाली दल के जो लीडर ड्रग केस के विच इनवॉल्व रहे हैं भावें उन्होंने नाम नशर नहीं होए कि उन्होंने कोई ना कोई कार्रवाई हो गई। नवे कार्यकारी डीजीपी जिहड़े सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय है वो पहला भी बादल परिवार का जिहड़ा कोई वित्तीय लैण देण है फाइनेंशियली जिहड़ा लैण देण हुंदा उहदी भी जांच कर चुके हैं। तो लगता है कि आने वाला हफ्ता 10 दिन जिहड़ा बहुत उथल पुथल वाले रहने वाले है। आज जी अगली खबर मैं पढ़न जा रहा है भी वो जी मिस वर्ल्ड जी 2021 है ये मुलतवी करती है तो एक सुंदरी जी हैगी भारती जी सी उन्होंने कोई करोना का कोई केस आया सामने, ये किहड़ी खबर हैगी? आज इंडियन टाइम के मुताबिक तड़के 4:30 बजे जिहड़ा पोर्टो रीको हैगा उथे 2021 का विश्व वर्ल्ड का मुकाबला होना सी ग्रैंड फिनाले सी आज जी। पर इन विच की होया कि उथे उन्हां नूं जो टेस्ट किया गया जी ते जिहड़ी इंडिया नूं रिप्रेजेंट करने वाली कुड़ी है मनसा वाराणसी जी वो भी 16 और ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈਆਂ। ਓਕੇ ਜਦ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੋ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कोरोना करके किया गया। हाल फिलहाल जो ये कोरोना तो बाहर आउणगीआं कुड़ियां ते फिर कोई होर फ्यूचर दे विच जेट रख के जिहड़ा मिस वर्ल्ड 2021 का मुकाबला जिहड़ा करवाया जाएगा। अशर तो साडी गलबात चल रही है चंडीगढ़ पंजाब सुशील दोसांझ जी नाल जिहड़ा सांझा पंजाब स्टूडियो तो स्टूडियो भी साडे किसी ने गलबात करनी है 95545444 ते गलबात की जा सकती है। दोसांझ साहब आखिर ते होर की अपडेट करनी चाहुंदे हो? आखिरी एक बहुत चंगी खबर असीं तुहाडे नाल साझी करनी है जी वो है कि पिछले दिनों के तुम्हें पता है कि जो वर्ल्ड कप होया क्रिकेट का भारत पाकिस्तान तो हारिया जी ते बड़ी उसकी मुक्काजीनी हुई भारतीय टीम की। आज भारत में चंगी खबर है कि जो हॉकी की एशियन चैंपियन ट्रॉफी चल रही है बांग्लादेश के ढाका जी उस भारत से पाकिस्तान का हॉकी का मैच है। भारत ने आज पाकिस्तान हॉकी के एक के मुकाबले 3 गोलों से हरा दिया है। भारत वालों हरमनप्रीत ने 2 गोल किए, 1 गोल आकाशदीप सिंह ने किया, दोनों पंजाबी मुंडे है जी। मतलब सब तो ज्यादा अंक है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया यानी सेमीफाइनल लगभग पहुंचने वाला ही है, 7 अंक है इंडिया के सेमीफाइनल पहुंचना इंडिया का पक्का हो गया। पाकिस्तान की टीम का 1 अंक है, टीम बहुत नहीं ज्यादा खेल रही, सिर्फ 5 टीम ही है, इस करके पाकिस्तान भी सेमीफाइनल जा सकती है। बिल्कुल भी बाहर रहूगी, 4 टीम जाना है। इंडिया के हम तक 3 मैच हो, पहला मैच कोरिया के खिलाफ था, माड़ी परफॉर्मेंस सी साडी, हारे भावे नहीं पर 2-2 के गोलों नाल हरा रहा। दूजा मैच साडा बांग्लादेश दा सी, उहदे जो असीं 9-0 नाल जित्ते ते तीजे अज पाकिस्तान नूं हराया 3-1 नाल। सो भारत दी झंडी है चैंपियंस एशियन हॉकी दी ट्रॉफी दे विच जी। हाँ जी, साडी गलबात चल रही सी सुशील दोसांझ नाल पंजाब चंडीगढ़ के ऑफिस विचों। साडे नाल किसी श्रोत ने गलबात करनी है 95545444 ते गलबात की जा सकती है। दोसांझ साहब आपां फिर कल नूं एक नवीं गल्लांबातां नाल जुड़दे जी। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ जी, सन सुशील दोसांझ जी चंडीगढ़ तो साडे नाल गलबात करदे सीगे। असीं गोइंग बैक पॉल जी, की हाल तुहाडे? बहुत वधिया जनाब, खबरां सुन रहे सीगे, पंजाब के हालात देख रहे सीगे जी कि जिहड़ा ये खिचड़ी पकन लगी है, देखो किहो जी पकदी है, रोला लोगों की सेवा का घट लगता, कुर्सी का ज़्यादा लगता। बिल्कुल बिल्कुल, सो आप पहले ही गल करके खड़े हैं कि नुमाइंदगी करनी है तुसीं लोगों वास्ते, राज नहीं करन चले। नुमाइंदगी लई सानू लोगों नूं भी चाहिए कि किनू असीं चूज करना चाहते हैं, किनू नहीं चूज करना चाहते। देखो पंजाब विच नहीं तो हिंदुस्तान विच ही बाहरले मुल्कां च भी हैगा, पर साडे खेतर विच कुछ ज़्यादा ही हैगा, जिहड़ी कुर्सी की लालसा ज़्यादा हैगी आ। लोगों को जो हम फ्री गफ्फे वंडे है, असी भी कल भी गल्लां करते हमेशा गल्लां करते हैं भी जो फ्री के गफ्फे है ना ये हवा च रह जाने जी। ये सर वो एक दारू की बोतल पिछे वोट वेच देनी, हाँ मैनू समझ नहीं आया लोग इदा क्यों कर लेंगे। पर तुसीं नुमाइंदगी करवाओ, 5 साल जो उन्होंने तुहाडी नुमाइंदगी करनी, किदां दी नुमाइंदगी चाहते हो ये अज तुहाडे अपने हथ दे विच है। बिल्कुल बिल्कुल, इहदा मौका तुहानू अज एक लीडर चुनण का हक मिलिया तो उन्होंने सोच समझ के वरतना चाहिए। प्रॉमिस नूं भुल जाओ, परफॉर्मेंस देखो बंदे दी की है, क्योंकि कहते जो बंदा पहली बार खड़े ना इलैक्शन तो उदो बंदा कई बारी उम्मीद नाल पाजना वोट की चल शायद बंदा ठीक होए कि बाकी तो मैं सारे देखे आ, पर जे वो बंदा दोबारा फिर अगली बारी आए फिर उसकी परफॉर्मेंस देख के उन्होंने वोट पानी या नहीं पानी चाहिए कि बंदे नूं असीं चुनिया, विश्वास कीता, इहने साडे लई की काम कीता कि नहीं कीता। ये लोगों नूं ये सोच रखनी पैनी है। पर गल है कि लिटरेसी कितनी कु हैगी है, कितने इलिटरेट हैगे आ, वो छोटे मोटे बेनीफिट वास्ते कर दे अपनी एक मेजर राइट नूं इदी मिट्टी कर देंगे। वो इस संबंध में 2-4 लाइनां मैनूं याद आ गईयां थोड़ी गल कर रही है, वोटां संबंध संदर्भ विच सी, ये सारीयां गल्लां है उत्थे ना लोग जिहड़े आ पैसे पिछे दारू दे बोतल पिछे विक जांदे। हां जी ठीक है ना, कहना औणे काम बथेरे वोटां वाले दिन, औणे काम बथेरे वोटां वाले दिन, औ नशेड़ी जिहड़े वोटां वाले दिन, औ नशेड़ी जिहड़े वोटां वाले दिन, इन्हें मर्जी वोटां कड्ढिया कर लो। ਐਵੇਂ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਲਾ ਕੇ 4 ਲਫੇੜੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। गल्लां बातां अपनी चलदी रहनी है। अपने चीमा जी रोजी रोटी च बंदा इन्ना उलझिया है कि उन्होंने टाइम ही नहीं गा किसी लीडर से रिसर्च करने वास्ते। तो लीडर लोगों को टेकन फॉर गरंटी लैके चलते हैं कि इन्हों जो असीं दिखावांगे ना, इन्हों देखा कि जो असीं ताना बाना बुन देंगे, इन्होंने सिर्फ वही देखना, होर देखना कुछ नहीं गा। बड़ी मंदभागी सोच है, पर इन्हों इंप्रूव करने की जरूरत है। देखो बाहरले मुल्कां दे विच लोक देखदे जगह जे कोई माड़ा मोटा किते दागी है ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਚ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਸ ਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਬੰਦੇ ਦਾਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾਗੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਾਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਦੇਖਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। मैं ही दोबारा फिर गल करूँगा कि असी रीफाइनेंस तुहाडे करंट मॉर्गेज हैगियां असं टोटली विदाउट एनी कंप्लीमेंट, इट्स नॉट कंप्लीमेंटरी फॉर यू कि साडा काम तुसीं करना ही करना जी। तुसीं अपनी मॉर्गेज साडे नाल डिस्कस कर सकते हो, जो तुहाडी करंट हैगी है रिन्यू होने वाली है जी, असीं तुहानूं एक बड़ी ऑनेस्ट उसते दसांगे अपनी टेक की हैगी कि तुहानूं फायदा दे रही है ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਆਓ, ਕਾਲ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਨ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡੈਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ $1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 647 333 2273 647 333 2273। ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਠੀਕ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਫੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਾਲ 647 333 2273 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ 427 ਰੀਅਲਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। 680 ਰੈਕਸਟਲ ਬੋਲੇਵਾਰਡ, किसी किस्म की जानकारी चाहिए हैगी है 4166741000 से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। मेरे नाल तारजिंटू नाल कोई रियल स्टेट संबंधी किसी किस्म की कोई जानकारी साझी करनी, कोई प्री कंस्ट्रक्शन की हैगी, कोई रीसेल की हैगी, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैगी, तो मेरे नाल गलबात की जा सकती है। 416 312 0786 से मेरे नाल कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इन्ना ही, आप कल में एक नवी प्रोग्राम लैके मिलते हैं जी। तो पॉल जी बुलाइए, सत श्री अकाल।